सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ अर्क और आप देख रहे हो हाईटेक ब्रो। दोस्तों आज का वीडियो होगा हाई बजट स्मार्टफोन्स के बारे में, और आज का बजट है 60,000। आप लोग अगर 60,000 एक फोन का पीछे लगा रहे हो तो आप लोग को आपका हिसाब से एक बेस्ट फोन मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पैसे में बहुत सारे स्मार्टफोन है जो काफी बढ़िया स्पेक्स लेकर आता है, उन्हीं में से हम लोग 5 फोन को पिक किया है जो आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। सो वीडियो आगे पूरा एंजॉय कीजिए। वैसे दोस्तों अगर हम लोग चैनल पर न्यू हो प्लीज हम लोग चैनल हाईटेक ब्रो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है और नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर देना, ताकि जब भी हम लोग एक नया वीडियो डाले आपके पास सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एप्पल का फोन के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एंड्रॉइड और आईओएस को कभी भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल अलग है। प्राइस और स्पेक्स के पॉइंट से आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि आईफोन क्यों लेना है, इतना ज्यादा पैसा खर्चा करके जब इतना कम स्पेक्स मिल रहा है। लेकिन जो लोग एक बार आईफोन यूज कर लेते हैं वो कभी भी एंड्रॉइड में स्विच नहीं कर सकते, तो सबका कुछ ना कुछ खास बात होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग एप्पल का फोन लेना है तो आप लोग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा एप्पल आईफोन 12 मिनी। इसमें आप लोग 5.4 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसके साथ आप लोग को इसमें 625 निट्स का ब्राइटनेस और एचडीआर 10 प्लस भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग को एप्पल के A14 बायोनिक चिप मिलता है जो अभी के टाइम में सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, 5nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, और इसके साथ आप लोग इसमें एप्पल का 4 कोर का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। कैमरास के बारे में बात करें दोस्तों, पीछे आप लोग डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 12+12 मेगापिक्सल का, और सामने भी आप लोग को 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फाइनली बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को 2227 mAh का बैटरी देखने को मिलता है जो 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट दोस्तों इसमें आप लोग USB टाइप सी और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें आप लोग 5G कनेक्टिविटी मिल जाता है। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों, इसका जो 4G प्लस 64G वाला वेरिएंट है वो आप लोग को मिलेगा 62,000 में, यानी कि 2,000 ज्यादा लगाना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन आईफोन का ब्रांड वैल्यू आपको मिल रहा है, और परफॉर्मेंस वाइज तो ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में दी बेस्ट है। बेस्ट बाय लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाय द वे दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी फोन खरीदना है हम लोग का लिस्ट में से, तो सारे फोन का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वहां से अगर आप लोग खरीदते हो तो हम लोग चैनल को थोड़ा सा मदद मिल जाता है ऐसे और वीडियो आप लोग के लिए लाने के लिए। दोस्तों अभी मैंने आप लोग को 5 में से एक फोन बता दिया, बाकी 4 फोन एंड्रॉइड का होने वाला है और 4 अलग अलग ब्रांड्स का फोन होगा। तो आप लोग अगर किसी ब्रांड को प्रेफर करते हो तो उसके हिसाब से आप लोग चूज कर पाओगे। दोस्तों एंड्रॉइड डिवाइस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आसूस आरओजी फोन 5 के बारे में। इस फोन का ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आसूस आरओजी सीरीज सिर्फ गेमिंग फोन बनाता है। तो आप लोग अगर एक गेमिंग फोन चाहिए तो आप लोग आग बंद करके इसके साथ जा सकते हो। इसमें आप लोग 6.78 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले फोन मिल जाता है, जिसमें आप लोग 800 निट्स ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग को मिलता है स्नैपड्रैगन का 888 जो 5nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, और इसके साथ आप लोग इसमें एड्रेनो 660 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आप लोग पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है 64+13+5 मेगापिक्सल का, और सामने में आप लोग 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग बहुत ही बड़ा 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, और इसके साथ आप लोग को 65W फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये फोन 5G है, और इसमें आप लोग ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका जो 12G+256GB वाला वेरिएंट है वो आप लोग मिल जाएगा 58,000 के अराउंड में। और दोस्तों इसका एक लो वेरिएंट भी है, तो आपका अगर बजट कम है तो आप लोग 50,000 के अंदर में 8G+128GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम लोग का लिस्ट में विवो की तरफ से विवो X60 प्रो। इसमें आप लोग 6.56 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग HDR 10 प्लस और 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग स्नैपड्रैगन का 870 मिलता है जो काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, और ये चिपसेट बहुत ज्यादा नया है, तो आप लोग एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस इससे मिलने वाला है। साथ में एड्रेनो 650 ग्राफिक्स के साथ आता है। कैमरास के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है पीछे में 48+13+13 मेगापिक्सल का, और सामने में आप लोग का 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आप लोग 4200 mAh देखने को मिल जाता है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और दोस्तों ये फोन भी 5G को सपोर्ट करता है। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसका प्राइसिंग, क्योंकि इतना सारा स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन का 12G+256GB वेरिएंट आप लोगों को 50,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। सो ये इस फोन का एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज पॉइंट बन जाता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग का लिस्ट में वन प्लस की तरफ से वन प्लस 9। इसमें आप लोग 6.55 इंच का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके साथ में आप लोग 1100 निट्स का ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग स्नैपड्रैगन का 888 मिलता है जो स्नैपड्रैगन का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है अभी का टाइम में। बाकी अगर कैमरास के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें आप लोग ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है पीछे में 48+50+2 मेगापिक्सल का, और इसके साथ आप लोग इसमें 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फाइनली बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग 4500 mAh बैटरी मिलता है, और इसके साथ आप लोग इसमें 65W का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो 30 से 35 मिनट में आपका फोन को फुल चार्ज करने में मदद कर देगा। और दोस्तों ये फोन भी ऑब्वियसली एक 5G फोन है। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका जो 12G+256GB वाला वेरिएंट है वो आप लोग को मिल जाएगा 55,000 के अराउंड में। और दोस्तों और एक वेरिएंट है इसका 8G+128GB जो आप लोग को 50,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों वन प्लस 8 प्रो भी खराब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो भी 60,000 में आता है। अगर आप लोग क्वाड HD डिस्प्ले चाहिए तो आप लोग उसके तरह भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग का लिस्ट में जो फोन है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, यानी कि फैन एडिशन। इसमें आप लोग 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ में आप लोग इसमें 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट देखने को मिल जाता है और साथ में आप लोग इसमें एड्रेनो 650 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। कैमरास के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप लोग ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 12+8+12 मेगापिक्सल का और सामने में आप लोग 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें 4500 की बैटरी मिलता है और साथ में आप लोगों को इसमें 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ये फोन 5G फोन है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ है इसमें। प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो 8G+120G वेरिएंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा 48,000 के अंदर में। तो प्राइस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बढ़िया डील है। तो आप लोग अगर सैमसंग का फोन पसंद है तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। बट दोस्तों अगर आप लोग सैमसंग का ही फोन लेना है तो आप लोगों के पास और एक ऑप्शन है, सैमसंग गैलेक्सी S20+ जो 55,000 से स्टार्ट होता है, जिसमें आप लोग 8GB+120GB वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ये फोन 4G फोन है। अगर आप लोगों को 4G फोन से कोई भी दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से 55,000 रुपीज के अंदर में ये फोन बेस्ट होगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले कैमरास वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आप लोग अगर 4G से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसके साथ जा सकते। बट अगर आप लोग को अभी एक फ्लैगशिप फोन लेना है तो आप लोगों को 5G फोन ही लेना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G को रखे हम लोग का लिस्ट में। बाकी आपका चॉइस है, आप कोई भी एक के साथ जा सकते हो। फाइनली दोस्तों बात करें कि आपके लिए कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो अगर आप लोग को बहुत ज्यादा गेमिंग करना है, मतलब आपका प्रेफरेंस गेमिंग है, आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, तो आप लोग आसूस आरओजी फोन 5 के साथ जाइए। और अगर आप लोग को एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो आप लोग वीवो X60 Pro के साथ जा सकते हो। बट अगर आप लोग एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो iOS वाइज आप लोग iPhone 12 mini के साथ जा सकते हो। और अगर आप लोग एंड्रॉइड प्रेफर करते हो तो आप लोग OnePlus 9 या सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के साथ जा सकते हो। सभी का लिंक्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों बताइए कमेंट्स में आप लोग वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो वीडियो के लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 97% लोग अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज कर लेना। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आप लोग अगला वीडियो में। टिल देन बाय बाय।